नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म के कुछ ऐसे दिन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में लोग अपने प्रियजनों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। श्राद्ध हिंदू तथा अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, इसके पीछे मान्यता यह है कि जिन पूर्वजों के कारण आज हम अस्तित्व में हैं, जिनके गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाए जाने वाला ऋण है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष का महत्व, पूजन विधि, पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है तथा कब समाप्त होगा तथा इसमें आने वाली विशेष तिथियों के बारे में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बहुत ज़रूरी माना गया है। माना जाता है कि यदि हम श्राद्ध नहीं करते तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। दोस्तों, पितृ पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित करने वाली वैदिक ऋचाओं में अनेक पितरों व मृत्यु की प्रशस्ति पाई गई है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूजकों को पितरों द्वारा धन समृद्धि एवं शक्ति प्रदान की जाती है। पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु कर्म में पितृविशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। सायण के टीका अनुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितृ प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितृ द्वितीय श्रेणी में तथा इनसे अलग कर्म करने वाले पितृ अंतिम श्रेणी में रखे गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वर्ष 2021 में पड़ने वाले पितृपक्ष के विषय में बतलाऊंगी कि हम किस प्रकार अपनी पितरों की पूजा कर इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं तथा उनकी दया छाया की दृष्टि अपने आप पर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष पांचांग के अनुसार पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होगा। इस वर्ष 2021 में 26 सितंबर को श्राद्ध की कोई तिथि नहीं है। दोस्तों, पहला श्राद्ध 20 सितंबर 2021 को सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में नियम और अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी इन अनुशासन का पालन भली भांति करता है, सर्व पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं तथा उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में अशुभ कार्य करता है
उन्हें हर कार्य में किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ता है। उनका मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है और उनकी जमा पूंजी भी नष्ट हो जाती है तथा रोग आदि उनको घेर लेते हैं। तो दोस्तों, इन सब से बचने के लिए हमें हमारे पितरों का श्राद्ध भली भांति पूर्वक तथा विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको पितृपक्ष को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि अगस्त का तर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार ऋषियों और मनुष्यों की रक्षा के लिए समुद्र को पी लिया था तथा दो असुरों को खा गए थे, इसलिए इनके सम्मान के तौर पर भाद्र पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि का तर्पण करके पितृपक्ष का प्रारंभ होता है तथा अपने पितरों की कृपा दृष्टि अपने आप पर बनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब मैं आपको श्राद्ध पक्ष की प्रमुख तिथियों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तिथि है प्रतिपदा श्राद्ध, जो 21 सितंबर को होगा। उसके बाद षष्ठी का श्राद्ध, जो 27 सितंबर को होगा। नौमी का श्राद्ध, जो 30 सितंबर को पड़ेगा। एकादशी का श्राद्ध, जो 22 अक्टूबर को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध, जो 5 अक्टूबर को पड़ेगा। तथा अंत में सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध, जो 6 अक्टूबर को होगा तथा उसके पश्चात नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पितृपक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियाँ तथा उन्हें मनाने की पूजन विधि। आशा करते हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी और बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।